अस्सलामुअलैकुम जी। अलहमदिल्ला इदा ब्लॉग शुरुआत चली। हम दुकान से काफ़ी लेट हो गए हैं, धुप्पे निकले ही अगर चंगा भला मौसम अच्छा होया सी। तो जी अलहमदिल्ला दुकान से आ गए हैं, तो अलहमदिल्ला अल्लाह का शुक्र मौसम भी ठीक है। फिर भी रस्ते तो धुप निकली सी, मगर हूँ फिर मौसम ठीक हो रहा, आवाज आ रही है। बाकी तो जी जोर दी नमाज का हो गया, बट टाइम नमाज पढ़ के आइए, नमाज पढ़ के फिर खाना खाने आके घर, फिर वापस आने दुकान पर। नमाज का टाइम हो गया असर का, मगर अब तो थोड़ी देर पहले निकले हैं वहाँ, उधर मेरे मकान से मिट्टी डलवा मलबा डलवाना वा। भाई जहाज का फोन आ गया कि भाई जान मलबा ट्राली वाले ने लोड कर लिया वा, तो आ जाओ। मैं कहा चलो जी असि आ जाने हैं। जी ट्राली से भर हो गई है, कचरा तो लवा दिता उधर मकान से, हम नमाज पढ़िए जाके। नमाज का बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, मगर दिन नमाज तो हो गया टाइम, तो हम नमाज पढ़ नमाज पढ़ ली अलहमदुलिल्लाह। तो हम चलिए घर खाना खाइए, खाना खा के आराम करते हैं। तो इसे दिन नमाज का टाइम होया तकरीबन, इसे नमाज पढ़ के फिर एडिट करके सो जाएंगे, अल्लाह खैर करे जी। नमाज का हो गया टाइम, इशा का नमाज पढ़ाइए फिर आके सोने जी। नमाज पढ़े हैं अलहमदुल्ला, तो हूँ सोना वा। तो पहले एक दो गल् दसनिया वा कि चैनल की जी ग्रोथ आ बहुत अच्छी चल रही है अलहमदुल्ला, सबसक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी अलहमदुल्ला 50+ वॉच टाइम आवर हो गया वा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा सिलसिला ना ये चल रहा वा, इंशाल्लाह अगे भी चलता रहेगा अल्लाह खैर करे। तो कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे, दोस्त यार ही पूछते होंगे आ लोगों ने की पूछना होंगे, लोगों को बड़ा पता होंगे, लोग तो यही पूछते कुछ कवा भी रहे, मगर दोस्तों को होंगे वा बड़ा, यानी कि यार के साडा दोस्त कुछ कर रहा वा, तो यार दोस्त यही पूछते होंगे कि यार किदों कमाना शुरू करना है। तो उन्होंने पता कि भाई जान आज सबसक्राइबर ने कंप्लीट होने हैं, वॉच टाइम होने हैं, मगर कि असी भी शुरू करिए। तो मैं कहा यार बिल्कुल शुरू करो, मगर ये तानू ना थोड़ा सबर का जड़ा ना, सबर तो बगैर कुछ नहीं, ये तकरीबन 3-4 माह 5-6 माह तो कुछ भी नहीं मिलना ना मेरे अंदाजे के मुताबिक, फिर जाके कि कुछ अर्निंग शुरू हो सकती है अगर तुम लगे रहो, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक 5-6 माह लगनगे 1000 सबसक्राइबर, 4000 वॉच टाइम आवर, 4000 वॉच टाइम आवर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आ, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं 50+ सिर्फ 50 आवर वॉच टाइम किया, 50 आवर मतलब तुम हिसाब ला लो 50 1 घंटे के 60 मिनट, तो 50 60 ना दर्ब दियो 3000 मिनट, यानी कि मेरे फोन ते देख हो, यानी कि वी लोग दे लोगों ने यूट्यूब ते देख ले हुए 70 सबसक्राइबर तो अलावा कुछ लोगों ने सबसक्राइब नहीं भी किया हो, तो जो 4000 वॉच टाइम आवर होना तो 4000 नू 60 दे नाल दरब दे लो 6 24 यानी कि 24 मतलब कि ये बन जाता वा जी 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 मिनट बन जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट आ। जो ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो चैनल खुद ब खुद मोनेटाइज हो जाएगा, मगर उन्हें टाइम लगेगा क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ताकि, सिंपल जी तुसी बस एक
ਟੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਆਹ ਵੀਲੋਗਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਪਟੋਪ 'ਚ ਕਰੋ ਡਾਟਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਮੈਂ 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਦੌੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਲੈਪਟੋਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਪਟੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਲਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।